ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है चाइना से, वही चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। यूं तो चीन हमेशा भारत को आंखें दिखाता रहता है, भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करता रहता है। आलम यह है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बल्कि चीन अपने दूसरे पड़ोसी देशों की भी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए नई नई चालें चलने में माहिर माना जाता है। लेकिन इसी चीन की हालत अब पतली होती जा रही है। जो चीन अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर इतना ऐंठने की कोशिश करता है और एक भ्रम जाल पूरी दुनिया को दिखाता है, उसी चीन में अर्थव्यवस्था की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। और इसका ताजा नजारा एक बार फिर से देखने को मिला, जब यहां पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 15 बहुमंजिला इमारत को जमींदोज किया गया। देखिए जरा इन तस्वीरों को, कंक्रीट के जंगल से दिखने वाली इमारतें कैसे पल भर में धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। लेकिन आप अगर इन्हें सिर्फ इमारतें समझने की भूल कर रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि चीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हालत यह है कि चीन में अर्थव्यवस्था एक साल में काफी बिगड़ी है। यहां पर बेरोजगारी की दर में लगातार इजाफा हो रहा है, जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं, ऊपर से कोविड के बाद से तो हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। हालांकि चीन की आबादी के हिसाब से यहां ऊंची इमारतों का चलन बीते एक दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर था, और इसी रियल एस्टेट सेगमेंट के बूम के कारण चीन दुनिया में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तंगा भी हासिल कर चुका था। लेकिन अब यहां पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। आलम क्या है, चीन में इन दिनों बड़ी इमारतों को गिराने का एक दौर सा चल पड़ा है। तभी तो सोचिए कि जिन इमारतों को लोगों के रहने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लग गया, उनमें लोग तो नहीं आ सके, उल्टा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। कारण है रियल एस्टेट कंपनियों की बिगड़ती हुई हालत। हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि कंपनियों के पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने तक के लिए पैसे नहीं बचे, और ये आलम आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है, क्योंकि जिन 15 इमारतों को जमींदोज किया गया वो आज नहीं बल्कि 10 साल पहले तैयार हो रही थी। लेकिन फिर भी कंपनियों के पास इतना तक पैसा नहीं जुटा पाई कंपनियां कि प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके, और अब इन इमारतों को जमींदोज किया गया। ये ताजा वीडियो चीन के कुनमिंग शहर से सामने आया, जहां पर 15 इमारतों को कुछ ही देर में धुएं के गुबार में तब्दील कर दिया गया। अब चीन से आई इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था से इसे जोड़ा जा रहा है। पिछले साल यानी कि 2023 में चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हुई थी और इस साल भी ये जारी है। हालत को सुधारने के लिए चीन कई उपाय कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारी दिक्कतें जो हैं वो दूर नहीं हो रही। चीन अपनी अर्थव्यवस्था में खराब कर्ज की समस्या से निपटने के लिए बड़ी संख्या में छोटे बैंकों का विलय करने में भी लगा हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि चीन के लिए इस साल भी वापसी कर पाना बहुत मुश्किल है। चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का दंश दूसरे देशों, मल्टीनेशनल कंपनियों पर भी पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के फिसलने के पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण बताए गए। चीन पर कई उसी की गलतियां भारी पड़ रही हैं। इसके चलते चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। चीन में धीमी होती विकास दर, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात, कमजोर मुद्रा, युवाओं की लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, ये सब संकट पैदा कर रही हैं। चीन की जनता ने अपने कुल निवेश का लगभग 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है। रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2022 के आखिर तक यहां के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। 2021 में चीन की सरकार ने दरअसल बिल्डर्स के कर्ज लेने की लिमिट को सीमित कर दिया। इसके बाद कई बिल्डर डिफॉल्टर हो गए, सैकड़ों प्रोजेक्ट अटक गए, पूरे नहीं हो पाए, लोगों को अब किस्तें चुकाना मुश्किल पड़ा, तो लोगों ने इसे बंद भी कर दिया। चीन के लोग अब ज्यादा बचत करने की कोशिश में लगे। शेयर बाजार की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है। 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है यहां पर। लेकिन चीन के शेयर बाजार की हालत खराब हो रही है और बीते 3 सालों में यहां का बाजार 50% तक गिरा, ये आंकड़े बता रहे हैं। और आलम यह हो चला है कि चीन में जो हालात बीते सालों में बिगड़े हैं, उसके बाद वहां पर धड़ाधड़ लोगों को पदों से हटाने की कार्रवाई चल रही है। मसलन विदेश मंत्री किंग गैंग को कुछ ही महीनों के कार्यकाल के बाद बाहर किया गया था। इसके पहले पूर्व रक्षा मंत्री को भी पार्टी से बाहर किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले उन्हीं को, पूर्व रक्षा मंत्री को, बीते साल पद से हटा भी दिया गया था।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के दो प्रमुख ली युआचो और सन जिनमिंग को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब ये क्यों हुआ आप समझ सकते हैं। हालांकि एक डेढ़ महीने पहले चीन में हुई एक राजनीतिक बैठक में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ शॉर्ट टर्म गोल यानी कि जो लक्ष्य तय किया गया उसके मुताबिक 2024 में चीन की जीडीपी को 5% तक लाने का टारगेट रखा गया। हालांकि इससे पहले अप्रैल से जून के दौरान वहां की जीडीपी में साल दर साल 4.7% का इजाफा पाया गया, जबकि भारत में अप्रैल जून 2024 तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7 दर्ज की गई। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ भारत में 8.2 थी। यह आंकड़े बताने के लिए काफी है चीन जो हमेशा से धौंस दिखाने की कोशिश करता है वो भीतर ही भीतर कितना खोखला हो चुका है। और एक बार फिर से 15 इमारतों को जमींदोज करने का जो वीडियो सामने आया वो इस बात पर मुहर लगाने का काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी चीन में ऐसे ही इमारतों को कई बार गिराया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तब चीन में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा पहुंचे हुए, और चीन की कोशिश यही है कि अपनी बिगड़ती अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसीलिए दूसरे देशों की मदद लेने में भी चीन लगा हुआ है। लेकिन क्या चीन इसमें कामयाब हो पाएगा या चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के पीछे और क्या कारण आपको लगते हैं आप कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।